जबलपुर टीएसएफ और वन परिक्षेत्र की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पेंगोलिन तस्करी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन आरोपियों में पुलिस विभाग का आरक्षक और मेडिकल साइंस कॉलेज का लैब टेक्नीशियन भी शामिल है। टीम ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और उन पर कार्रवाई की जा रही है। मामला कटनी के खमनतरा गांव का है, जहां टीएसएफ की टीम को सूचना मिली थी कि वन्य जीव पेंगोलिन को रामलखन बर्मन के अपने ही घर में कैद करके रखा हुआ है। टीएसएफ की टीम ने कटनी वन विभाग की टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रामलखन के घर दबिश दी, जहां से टीम को जीवित पेंगोलिन मिला। इसके बाद टीम ने रामलखन बर्मन से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इस मामले में अन्य और भी 5 लोग शामिल हैं, और इसमें से 2 आरोपी एक पुलिस विभाग का आरक्षक और दूसरा मेडिकल साइंस कॉलेज का लैब टेक्नीशियन है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें, ये बेशकीमती पेंगोलिन की तस्करी कर उसे लाखों करोड़ों में बेचा जाता है, जिसका उपयोग दवाइयों समेत अन्य चीजों में किया जाता है। तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग लगातार इस तरह की कार्यवाही को अंजाम देते रहता है। वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर वन संरक्षण गौरव शर्मा ने बताया कि मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लैब टेक्नीशियन ओम प्रकाश ध्रुवे, अनिल जेंडर नायडू सहित अन्य आरोपी शामिल है। फिलहाल वन विभाग ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और मामले की जाँच की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर राजा खरे एसडीओ साहब, जो जबलपुर टास्क फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम है जिसको हेड करके कटनी आए थे, शिवम मिश्रा रेंजर साहब उनके साथ में थे, उनके साथ में 2 वनरक्षक और थे, और ढीमाखेड़ा रेंज से हमारी टीम थी। तो इन सब ने मिल के रामलखन जो ढीमाखेड़ा के निवासी हैं उनके यहाँ पर 19.88 kg का पेंगोलिन पकड़ा था, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्होंने 7 टोटल आरोपियों को पकड़ा था, जिनमें से 2 शासकीय कर्मचारी थे, एक साइंस कॉलेज जबलपुर में लैब टेक्नीशियन है और एक प्रधान आरक्षक जबलपुर है। इस तरह से ये 7 आरोपी का इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है और वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत इन पे कार्रवाई की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।